علما رب زدني علما نافعا I would address two things only. One to my students, जो मेरे सामने हैं, जिनके लिए इस वक्त मैं ज़्यादा feel करता हूँ, and one for the students who are there on my left, जिनके लिए अब जज्बा थोड़ा कम हो गया है. क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं who are first time droppers, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे second time droppers भी हैं. It's such a difficult phase for you in your life, और इस particular stage पे आपको शायद पढ़ाई के साथ साथ moral support की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Besides, whatever we are supposed to teach you in the class from the syllabus perspective, we have been always, every one of us, we have always tried to be your moral support as well. क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है, मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ कि मुझे लगा जिंदगी में अगर कोई काम सबसे मुश्किल है दैट इज बीइंग अ स्टूडेंट. इससे ज्यादा ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं होता. बिकॉज हर एक काम जो इसके बगैर आप करते हैं, आपको इसका बदला, इसका नेमल बदल जो है शाम को मिलता है या फिर एक महीने के बाद मिलता है. लेकिन ये एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज का आपको नहीं पता whatever I'm aspiring for, whatever I'm looking for, whether I'll be getting it or not. जिसकी वजह से ये फेज जो होता है काफ़ी अनसर्टनिटी होती है और ये फेज आपके लिए बहुत 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 मुश्किल होता है. लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहूँ बेटा कि आपके हाथ में, रियाज सर ने अभी कहा, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, बस मेहनत करते चले जाइए. लीव द रेस्ट टू अल्लाह, अल्लाह इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सेकेंड पार्ट इज दैट अगर इंसान बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी नहीं कर पाता, अल्लाह हैज समथिंग ग्रेट इन स्टोर फॉर यू, समथिंग ग्रेट इन स्टोर फॉर यू. मैंने ये बात क्लास में बहुत बार कही होगी, हमारी यूनिवर्सिटी में करीबन 48 स्टूडेंट्स थे. 48 में से 13 स्टूडेंट्स ऐसे थे हु वर थ्री टाइम एंट्रेंस ड्रॉप आउट्स. But when I compare myself with them in the university, knowledge-wise, ठीक है, हमसे बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत 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 ज़्यादा. जिसकी वजह से when we were in our third semester, they appeared for the NET examination, जो कि university में PG के बाद ही होता है. But you are eligible even in the third semester as well. We almost all of us appeared, but those were the 13 students who made it in the very first attempt when we were still in the third semester. और उसके बाद ट्रस्ट मी, वो 13 के 13 बच्चे ऐसे थे who are now assistant professors in various colleges of the Kashmir Valley. So जो चीज उन्होंने, जो मेहनत उन्होंने की थी किसी स्टेज पे, वो मेहनत रब ने जाया नहीं की, उसका नेमल बदल उनको मिला. लेकिन शायद वो ज्यादा बेहतर टीचर्स हो सकते थे एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स. शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनका फैसला जो है कुछ टाइम के लिए रोक के रखा था. सो ये ना समझें कि अगर इस वक्त मैंने मेहनत भी की और उसके बावजूद भी अल्लाह बचाए नहीं हो पाया, अल्लाह ताला के रास्ते वो आपके लिए बंद नहीं है. अल्लाह ताला आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे और ऐसे रास्ते जो शायद उससे कहीं बेहतर था, जो आप सोचते थे शायद मेरे लिए बेहतर है. That was one thing for you. Trust in Allah, put your faith in Allah. Allah will do something great for you in your future. और मेरे जो सबसे बहुत अजीज और सबसे खास इस वक्त हैं हमारे सिलेक्टीज, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा तरक्की दे, इससे आगे भी, और आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर दे. लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी सोसाइटी को याद रखें. बिकॉज वी विटनेस इट आर सेल्व एज वेल. रियाज सर के साथ एक बार ऐसा हुआ कि शायद रियाज सर की बेटी बीमार थी, ही वेंट टू द हॉस्पिटल GMC श्रीनगर में ही. देर वॉज वन ऑफ आर स्टूडेंट्स हु वॉज ऑन ड्यूटी दैट नाइट. बात मेरी समझ में आपसे क्या, there was one student of his who was on duty that night. उन्होंने रिया सर को पहचानने से इनकार कर दिया. He did not pay a salam even to रिया सर. We don't want those doctors. We want those doctors here, जो कि कम से कम कल उस उस्ताद की अगर इसको कुछ ज़रूरत है, कम से कम वो याद रखे कि ये मेरा टीचर था. अपने कदम जो हैं ज़मीन पर रखें, अपने कदम जो हैं ज़मीन पर मुसम्मम रखें. ये ना समझे कि हमने कुछ किया तो जिंदगी में शायद इसके बगैर कुछ नहीं है. लाइफ इज मोर देन दैट.
Thank you so much. Thank you very much, Althoff sir.